मेरा बर्थडे भी है आज एंड मेरी एक फिल्म माफिया बिग बॉस है उसका सेंसर भी हुआ है और तीसरा आज हम राज शहनशाह मूवी का आज हम मुहूर्त भी कर रहे हैं काफ़ी शूट हो चुकी है तो आज उसका आइटम सॉन्ग है और जो कि आइटम सॉन्ग भी काफ़ी हैवी है और मेरे साथ में काया शर्मा है और एक एक आइटम सॉन्ग काया शर्मा भी करेगी इस मूवी में क्या कहना चाहेंगे आज भोजपुरी अपना कदम रखे हैं और कंधे से कंधा मिला के आज शहनशाह के किरदार में अभी राजी का आज बर्थडे है तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है उनको और आज आइटम सॉन्ग का शूटिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी शुभकामना डबल डबल शुभकामना और आज बहुत खुशी का टाइम है दो दो खुशियां एक साथ हैं तो मैं तो हमेशा मेरा शुभकामना इनके साथ रहे काम भी करेंगे तो भी और अभी शूट के लिए तो काफ़ी अच्छा तैयारी कर रहे हैं अच्छा शूटिंग करने वाले हैं तो अभी मेरा फिल्म में तो कोई कैरेक्टर नहीं है बट एक आइटम सॉन्ग करूँगी मैं तो अभी एक आइटम सॉन्ग का शूट है आज अभी नेक्स्ट पता नहीं कब प्लान करेंगे जल्दी ही करेंगे तो क्या लट गाड़ने वाले हैं आइटम सॉन्ग में घने चोखे चोखे लट गड़ेंगे और जिस तरह से हरियाणा की दमदार फिल्में अभी जैसे सुल्तान रही हरियाणा की बेस की अभी दंगल आ रही है और हरियाणा के छोरे भी छोरियाँ भी बहुत लट गाड़े हैं इसी तरह से यहाँ पर लट गाड़ेंगे भाई हाँ बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल हम एक एनर्जी लेवल से और एक हम सच्चे और अच्छे और रहते हैं हमारे अंदर कोई राजनीति नहीं होती और अपनी मेहनत से काम करते हैं हम तो इसलिए हम कामयाब भी होते हैं और आप लोग भाइयों का इसीलिए साथ भी रहता है और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम का इसी तरह से प्यार और दुलार मिलता रहे आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रहें आज मेरे बर्थडे पे बहुत तैयारियां की हैं शहनशाह के किरदार के लिए आप देख ही रहे हैं कॉस्ट्यूम से लेके और हेयर स्टाइल तक मतलब पूरा मेहनत से मतलब पसीने निकाल के किया है और काम भी हम पसीने निकाल के करेंगे और दर्शकों से मेरे एक अपील है वो भी चाहे पसीने निकलें फिल्म ज़रूर देखें क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म हम बना रहे हैं पहली फिल्म कौन सी रही है इसे डेब्यू कर रहे हैं आप भोजपुरी से मेरी पहली फिल्म खून भरी हमार मांग रही जिसमें मैंने डेब्यू किया था और मोना जी मेरे अपोजिट थी पाखी जी और अच्छी स्टार कास्टिंग थी ये था कीड़ा तो देखो वो सिमिलर ही नाम है मेरा घर का और उसका थोड़ा सा हमने मेरी मॉम के नाम पे मैंने राज इंशोर्ट किया है तो इसलिए थोड़ा सा ये है और कीड़े की बात रही तो एक कुछ अलग से करने का वो रहता है और गांव में जो रामलीलाएं या स्टेज प्रोग्राम्स रहते थे उसमें बढ़ चढ़ के मैं भाग लेता था रामलीला में मैं क्या बताऊं अभी मैं सीता का करेक्टर भी मैंने किया है लक्ष्मण का भी किया है मैंने एंड इस तरह के करेक्टर्स रहते थे देखो बहुत टाइम लग गया काफ़ी साल लग गए और ये कोई सहज नहीं है एक आर्टिस्ट को सजो के रखना और ऑडियंस विश्वास करती है काया शर्मा जैसे कि भोजपुरी के साथ कम लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से लिए कुछ बाहर से हैं क्या भोजपुरी आप सीख पाएंगे साथ में रहेंगे ऑफ कोर्स सीख पाएंगे कोई बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई लैंग्वेज सीखना तो अभी भोजपुरी में काम कर रहे हैं भोजपुरी के लोगों के साथ में हैं तो इजी है सीख जाएंगे आपको सर आती होगी कि गुड़गांव जो झांसी बिलोंग करते हैं इंडस्ट्री एरिया है और सब तरह के लोग हाँ आज हमारे गुड़गांव कोई गुड़गांव नहीं रहा इंटरनेशनल लेवल की सिटी बन गई है हाँ तो वहाँ पे बहुत सारे जो उत्तरांचल के हैं और मेरे को सम्मान भी मिला है नो डाउट और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं भोजपुरी से तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी भोजपुरी सीखने में गाने का किस तरह का गाना सुना है देसी लैंग्वेज में नहीं 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 सपना सपना की कैसेट बाय द वे नहीं पड़ी रियली मैं बता रहा हूँ आपको हाँ तो इस तरह का नहीं है वहाँ की लोकल वो डांसर और सिंगर है तो अच्छी है तो उस तरह का है नहीं मेरे को
गाना है नहीं अभी मेरे इसमें, मैं फ्रेंकली बताऊं आपको। नहीं नहीं, शर्माने की बात नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, वो डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते हैं तो सही नहीं है ऐसा। यह है राज शहनशाह, शहनशाह पिक्चर है पूरी, तो हमारे राज चौहान जी हीरो है। आज इनका वापस मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, ये पहले स्टार्ट हुई थी, आज से हम लोग नए तरीके से कर रहे हैं इसको। और एक आइटम सॉन्ग है, कमाल का आइटम सॉन्ग है, पहन के पीला घाघरा जब मैं गई आगरा। ग्लोरी है, ग्लोरी एक अच्छी डांसर है, आइटम गर्ल है, और उसके साथ हमारे डांसर्स है, 6-8 डांसर है, बाकी राजीव बैठे हैं, उनके साथ दूसरे और आर्टिस्ट बैठे हैं सब। आज उनका जैसा फंक्शन है, पिक्चर में दिखा रहे फंक्शन में एक पार्टी हो रही, उसमें वो डांस कर रहे हैं। ग्लैमर बहुत है गाने में, मैं ऑलरेडी कंपोज कर चुका हूँ, रिहर्सल कर चुका हूँ, कमाल है। अब आप देखोगे, आप पिक्चराइज करोगे, आप खुद सोचोगे क्या ग्लैमर है, हम लोग ने क्या मेहनत की है। राज में वो फुर्ती है, पहली बार भोजपुरी में, हाँ हाँ, एक हरियाणा का वो अच्छा है ना, ऐसे नए नए स्टार आने चाहिए भोजपुरी में, अभी सब काफ़ी आ रहे हैं नए लड़के, तो इसमें राज चौहान आएगा, एक अच्छा बॉडी वाला ही मैन आ रहा है, तो एक नया अच्छा ऑडियंस को एक नया लड़का मिलेगा। कोशिश तो कर रहे, नया कुछ करना है तो इसलिए नया करना ही चाहते हम लोग, कुछ नया करेगा तो ऑडियंस लाइक करेगी, नया नहीं कर।